सरकार बदलते ही जोधपुर भाजपा शासित नगर निगम बोर्ड निगम की आर्थिक स्थिति चिंता सताने लगी है। महापौर घनश्याम ओझा निगम की स्थिति मजबूत करने के लिए घंटाघर स्थित निगम की 80 से 100 दुकानें को किराएदारों के ही बेचना चाहते हैं, जिससे एक तो लंबित न्यायिक विवाद खत्म हो जाएगा, साथ ही निगम को करोड़ों की आय हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश दुकानों का किराया कोटियों के भाव है। इसे बढ़ाने के चक्कर में कई विवाद कोर्ट में लंबित होने से कई दुकानदारों का मौजूदा किराया देने से ही दूरी बना ली। ऐसे में अगर इन किराएदारों को ही ये दुकानें बेच दी जाए तो निगम को फायदा होगा। खास बात यह है कि दुकानदार भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारी महापौर का साथ नहीं दे रहे हैं। महापौर घनश्याम ओझा का कहना है कि वे लगातार अफसरों को भरोसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सके। गौरतलब है कि जोधपुर नगर निगम लंबे समय से तंगी हालत से गुजर रहा है। हाल ये भी है कि 2000 से अधिक नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति ने निगम की कमर तोड़ कर रख दी। निगम के लिए नए कर्मचारियों को वेतन देना भी मुहाल हो गया। ऐसे में महापौर घनश्याम ओझा निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर महापौर द्वारा पुरानी संपत्ति को लीज पर दिया गया तो संपूर्ण नगर निगम कर्मचारी आने वाले दिनों में हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जोधपुर नगर निगम के महापौर घनश्याम ओझा की होगी। उन्होंने बताया कि घंटाघर में सभी दुकानों से बिक जाती है, उसी के मार्फत नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है, और शहर में जो भी दुकानों से आय आती है उसे कैसे निकालना है। लेकिन अगर महापौर द्वारा दुकान की लिस्ट भेजी गई तो चंद महीनों बाद ही निगम की आय कम हो जाएगी और निगम के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाएगा। इस मामले पर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हम 20 दिसंबर को निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित इस मामले की मीटिंग रख रखी है और 20 तारीख को ही इस मामले पर निर्णय हो जाएगा। इन दुकानों को लीज पर देने के बाद कर्मचारी मान पाएंगे या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल निगम के कर्मचारियों और महापौर में ठनी हो रखी है। देखने वाली बात ये भी है कि ये जो धरोहर है, इस धरोहर पर आए दिन दुकानदार कब्जा कर बैठे हैं। कई लोग तो यहाँ ठेले लगाकर भी अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं महापौर के निर्देशानुसार निगम के कर्मचारियों द्वारा लीज पर दी जाने वाली दुकानों के नाप तोक भी होने लग गए हैं। इसको देखते हुए कर्मचारी भी आवेश में बैठे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि 20 दिसंबर को इसका क्या फैसला निकल कर आता है। फिलहाल महापौर और अधिकारियों और कर्मचारियों में ठनी हो रखी है। लीज का जो मामला है मार्केट का, ये फैसला बहुत देरी से लिया गया। इस फैसले को जब सरकार बनती है उस समय लेना चाहिए। अब जो ये लीज का मुद्दा है ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और घंटाघर के अंदर 3-4 तरह की श्रेणियाँ हैं। एक देश आज़ाद होने के पहले के, एक उसके बाद में जब अशोक जी पहले बार मुख्यमंत्री बने थे तब नाम ट्रांसफ़र हुए, और एक बाद में ये सबलेट वाला मामला। लीज में देने से फ़ायदा भी है और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नगर निगम के जो अभी अधिकारी और जो महापौर बैठे हैं, अगर उनसे सत्ता नहीं संभलती है तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो पुरानी मिल्कियत है उसको बेचकर खजाना भरना, और इस तरह के माहौल में जब सरकार बदल गई तो इस तरह का नियम वर्तमान बीजेपी के महापौर को लागू नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर ये लागू हो गया है और व्यापारियों के हित में सोच के दिया तो 4 साल में तो किसी व्यापारी का हित इन महापौर ने सोचा नहीं, और अब व्यापारियों के साथ में इस तरह से ये करते हैं। और ये भी एक गुमराह का बिंदु है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुकानदारों को न तो बीजेपी ने सहयोग किया, कांग्रेस जब भी आई सरकार में सहयोग किया, लेकिन बीजेपी ने हमेशा
दुकानदारों का भरपूर विरोध किया और दुकानदारों को इतनी परेशानी दी, और अब अगर ये महापौर को सबूत आई है और अगर वो लीज पे देना चाहते हैं तो ईमानदारी से लीज पे दे, व्यापारी उनके साथ हैं, और अगर इसमें भी कोई राजनीति चली तो व्यापारी इसका विरोध करेगा। कमिश्नर साहब से मिले, मिश्रा जी से, और घंटाघर धरोहर है जो पूरा जोधपुर शहर का नाक है, हम उसका विरोध करते हैं। नगर निगम द्वारा 20 तारीख को निगम में एक बैठक रखी है, इस धरोहर को वो 99 वर्ष के लिए बेचना चाहते हैं। तो हम सभी कर्मचारी और जोधपुर के आम नागरिक इस पर रोष है कि धरोहर को ना बेचें। भविष्य में अगर इस तरह से किया गया तो पूरा सभी कर्मचारी से लेकर आम कर्मचारी इसका विरोध करेंगे। राजस्थान सरकार ने 5 अक्टूबर 2018 को राजस्थान जितनी भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की जो किराए की प्रॉपर्टी है, जो किराए पर प्रॉपर्टी दे रखी है, उसका नियमन करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस नियमन के तहत एक उन्होंने कट ऑफ डेट थी कि कट ऑफ डेट साथ साथ नियमन की दरें भी थे कि जिसमें कभी जहाँ जो बहुत पुराने किराएदार है 1950 से पहले के, उनके लिए डी एच आरक्षित दर का 25%, इसी प्रकार 83 के बाद के किराएदारों के लिए आरक्षित दर का 50%, और उसके बाद में कुछ अलग अलग नॉर्म्स तय किए। साथ में एक शर्त भी रखी गई थी कि ये जो प्रस्ताव है ये बोर्ड में अनुमोदन के बाद ही लागू होगा। इसके लिए बोर्ड की बैठक 20 तारीख को आउट की गई है, और अगर बोर्ड में प्रस्ताव ये पास होता है ये जोधपुर शहर में भी लागू हो जाएगा।